जापानीज लैंग्वेज स्टार्ट करते समय वर्ब्स जो कि हमें स्टार्टिंग में जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स देती हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना आज इस वीडियो का टारगेट है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाना चाहता हूं और उन वर्ब्स को किस तरह से हम बिना अटके बिना रुके बिना जापानीज लैंग्वेज छोड़े याद कर पाएं और आगे बढ़ पाएं ये इस वीडियो का टारगेट है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कुछ तो क्या मैं कहूंगा बल्कि 50% स्टूडेंट्स जब वर्ब्स आती हैं तो जापानीज लैंग्वेज स्टार्ट होते ही कहते हैं कि N5 तो बहुत मुश्किल है N4 N3 में पता नहीं मेरा क्या हाल होगा वर्ब्स तो इतनी मुश्किल है मुझे वोकैबुलरी ही याद नहीं हो रही है पता नहीं मेरा क्या हाल होगा वो जापानीज लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है आप जापानीज लैंग्वेज छोड़ना तो बहुत दूर की बात है उसको एक ईजी लैंग्वेज मान के एक बहुत ही अट्रैक्टिव करियर बनाने का तरीका मान के इसको बिना छोड़े 100% कंप्लीट करें अपना बहुत अच्छा करियर बनाएं। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्ब्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेगेटिव फॉर्म है पास्ट फॉर्म है इसके साथ प्लेन फॉर्म होती है डिक्शनरी फॉर्म होती है तो यही मेरा पर्पस है बताने का कि वर्ब्स को सिर्फ और सिर्फ प्लेन फॉर्म से शुरू करिए। सबसे पहले अगर आपने वर्ब का स्टार्टिंग जो साउंड होता है वो एक बार सीख लिया जैसे कि आप इस लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं इकू कुरु कायरू मीरू तो अगर आप इसकी दूसरी फॉर्म देखेंगे तो इकीमास कीमास कायरीमास मीमास यानी कि स्टार्टिंग साउंड से ही आपने गेस कर लिया अब चाहे वो प्लेन फॉर्म में है चाहे वो मास फॉर्म में है ये वर्ब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप देख रहे हैं कि नेगेटिव फॉर्म भी आती है पास्ट फॉर्म भी आती है लेकिन जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि स्टूडेंट्स इतनी सारी फॉर्म्स देख के जापानीज को वहीं छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी की सबसे बड़ा रास्ता सबसे बड़ा शॉर्टकट यानी कि सबसे बड़ा फॉर्मूला वर्ब्स को याद करने का है कि स्टार्टिंग साउंड बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहती है बस आपको इस पर ध्यान रखना है और उसी से गेस वर्क करके आपको जैसे कि अगर नेगेटिव फॉर्म है तो नाई 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 हर जगह आया हुआ है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हिंदी से बहुत मिलता जुलता है हिंदी में भी हम बोलते हैं नहीं 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 इसी तरह से आप याद रख सकते हैं नाई 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 इका नाई कोनाई कायरा नाई मिनाई किका नाई। देखिए याद करना तो आपको ही है मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का वो है तरीका बताने का। अगर आप मेरे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो वर्ब की कोई भी फॉर्म सीखना इतना भी मुश्किल नहीं होता। जैसे कि अगली पास्ट फॉर्म की तरफ अगर हम जाएं तो अगर आप मास फॉर्म में देखेंगे तो इकी माशिता की माशिता इस तरह से हमने सीखा हुआ है तो इसमें भी यही हिंट है कि एंड में ता से खत्म हो रहा है। देखिए ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जिन लोगों ने वर्ब्स ऑलरेडी याद करी हुई हैं N4 N3 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी वो मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे मेरी बात को कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे और वो भी अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते कि हाँ इवेंचुअली हमने भी ना इसी तरीके से ही वर्ब्स को सीखा है जो कि पहली क्लास से ही मैं चाहता हूँ आप सीखना शुरू कर दें और इसके बाद हम वर्ब को कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जैसे कि मिनाई है तो मीमास होता है देखना तो मिनाई मतलब नहीं देखना। इस तरह से हिंदी में वर्ब्स को याद करिए वर्ब्स याद करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम याद करते हैं ता फॉर्म को तो हमें सिर्फ ते को ता करना होता है और कोई भी इसमें हमें तरीका या कोई मेथड या कोई ऐसी चीज जो कि ये बताएगी कि ये ता फॉर्म है या ते फॉर्म है उसके अलावा हमें नहीं करनी होती। हमें मैं एक बार फिर से बताता हूँ या तो आप ता को ते में बदल दीजिए या फिर ते को ता में बदल दीजिए तो आपका काम पूरा पूरा ते फॉर्म का चल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ताबेता ताबेते शिता शिते कायता कायते इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है तो ये भी एक बहुत आसान फॉर्म है याद करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम ये देखते हैं कि वर्ब जो है वो हमने देखा है कि ग्रामर पोर्शंस होते हैं ग्रामर पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ कॉन्जुगेट कैसे होती है जब और हमें वर्ब ये देखने को मिलता है कि क्या ये पूरी फॉर्म के अंदर आया हुआ है या फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकीमास इकू या फिर इकीमाशिता इत्ता इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में डिफरेंस के बारे में ना सोच के क्योंकि अचानक ही पूरी अगर आपको लिस्ट बता दी जाए जैसे कि इंस्टीट्यूट में पूरा लिस्ट बता देते हैं कि देखिए ये पोलाइट नहीं होता ये ज़्यादा पोलाइट होता है तो फिलहाल हमें वर्ब्स को मीनिंग के तौर पर याद रखना है पोलाइट या इम्पोलाइट धीरे धीरे आप सेंटेंस प्रैक्टिस से अगर सीखे तो उस पर छोड़ दें आधा काम सेंटेंस पर तो आपका आधा काम ही रह जाएगा यानी कि सिर्फ मीनिंग याद करना आपका काम रह जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ये भी याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है टू गो और इसकी पास्ट फॉर्म होती है आई वेंट तो
अब ये पोलाइट होता है इकिमाशिता और इम्पोलाइट होता है इत्ता, और जबकि इम्पोलाइट कुछ कुछ केसेस में वो पोलाइट सेंस में भी आ रहा है और इम्पोलाइट वाला जो है वो पोलाइट में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल वर्ब्स को सिर्फ फॉर्म्स के तौर पे याद रखिए, जो स्टार्टिंग साउंड है या कह सकते हैं कांजी की जो रीडिंग है उसके हिसाब से याद रखिए। पोलाइट या इम्पोलाइट का जो काम है वो अपने आप हो जाता है अगर आप नहीं भी सोचते, तो उस काम को आप सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए छोड़ दीजिए। और फिर से मैं एक बार ये फाइनली बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको दोक्काई बहुत अच्छी सिखाएगी, क्योंकि दोक्काई के अंदर जब भी जितने भी सेंटेंस आते हैं तो उन सेंटेंसेज में वर्ब्स आती हैं, और उन वर्ब्स के थ्रू सॉरी उन सेंटेंसेस के थ्रू उन वर्ब्स को अगर आप सीखेंगे बजाय इस तरह की लिस्ट के, तो आपके लिए बहुत बहुत फास्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि वर्ब्स के लिए हमें ये नहीं सोचना कि ये पूरी पूरी फॉर्म्स मैं जब तक याद करूंगा तब तक ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हर वर्ब का एक डिफरेंट मीनिंग बन जाता है और एक फॉर्म चेंज हो जाती है। जब तक मैं पूरी फॉर्म्स ना याद कर लूं, जब तक मैं पास्ट एडजेक्टिव कॉन्जुगेशन, नाउन कॉन्जुगेशन और पार्टिकल कॉन्जुगेशन ये सब याद ना कर लूं, तब तक मैं वर्ब्स नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत थिंकिंग होती है स्टूडेंट्स की, जो कि जापानीज लैंग्वेज को बीच में छोड़ देते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से ही मोटिवेटेड रहते हैं, उनको ये चीज़ें ना 2 मिनट में ही पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चीज़ बार बार बतानी पड़ती है। तो मेरे लिए यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, कि आपको अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी ही मिल गई है इस वीडियो से, तो आप इसको रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर इसको पूरा अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ लैंग्वेज सिखाना ही नहीं, लैंग्वेज को सही तरीके से कैसे सिखाना है, ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।